एटीएम फ्रॉड कर पैसे निकालने वाले अपराधी मुठभेड़ में गिरफ्तार। जी हां, आजमगढ़ जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। एटीएम से फ्रॉड कर लोगों को लूटने वाले अपराधी की तलाश पुलिस काफी दिनों से कर रही थी। बता दें कि आजमगढ़ के दीदारगंज थाना और बलियारगंज थाने की संयुक्त टीम और एटीएम से फ्रॉड करने वाले बदमाश नवीन गौतम से मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश घायल हो गया। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि दीदारगंज थाना अंतर्गत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश नवीन गौतम को गोली लगी और वो घायल हो गया। उन्होंने बताया कि यह शातिर अपराधी एटीएम क्लोन कर गरीब व वृद्ध लोगों के साथ एटीएम फ्रॉड करके पैसे निकाल लेता था। पुलिस को इसकी काफी दिनों से तलाश थी और आखिरकार मुखबिर की सूचना मिलने पर मुठभेड़ के बाद इस शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। चेकिंग के दौरान थाना दीदारगंज क्षेत्र के वेरीडी में चेकिंग के दौरान दीदारगंज और बलियारगंज पुलिस की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में शातिर एटीएम फ्रॉड व क्लोन कर गरीबों एवं वृद्धों का पैसा गायब करने वाला 25,000 रुपये का इनामी बदमाश नवीन गौतम पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। इसके पास से एक तमंचा, चोरी की मोटरसाइकिल, 5 एटीएम कार्ड, कुछ रुपए तथा बरामद हुए हैं। ये एक शातिर बदमाश है जो एटीएम के आसपास लगकर जो गरीब और वृद्ध लोग होते हैं उनसे उनका एटीएम बदल लेता है, उनके एटीएम को क्लोन कर लेता था तथा बाद में उनके पैसे गायब कर देता था। इसके पास से इस तरह के बदले में 5 एटीएम और 1200 रुपए बरामद हुए हैं। इसके ऊपर आजमगढ़ और अन्य जनपदों के लगभग आधा दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं तथा एक जनपद से वांटेड था और इस पर मेरे द्वारा 25,000 रुपए का इनाम किया गया था। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।